पहले तो काफी लोग बनाते है नहीं, तो ऐसा ऐसा कच्ची मिट्टी के पक्के दिए ही दीपावली की पहचान है और दीपावली का त्यौहार आते ही कुम्हार कहीं ना कहीं दियाली बनाने की तैयारी में जुट गए है लेकिन कहा जाए जो आज से सालों पहले दियालियों का भंडार एक तरीके से कुम्हारों के घरों पर देखा जाता था वहीं पर अब महज कुछ ही दिवा हैं जो एक कुम्हार बना करके तैयार कर रहे हैं आपको दिखा दें ये देखिए कुम्हार हैं हैदरपुर गांव है ये हैदरपुर गांव में हैदरापुर गांव है ये हैदरापुर गांव में डेढ़ सौ मकान हैं डेढ़ सौ मकान में बीस पच्चीस मकान ही कुम्हारों के थे जो सभी दीपावली के त्यौहार आने पर दियलियाँ बनाने काम करते थे लेकिन अब गांव में कोई दयालियाँ नहीं बनाता सिर्फ एक सुरेश जी हैं जो दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही दियाली बना रहे हैं इन्हीं से बात करते हैं कि दियालियों की तैयारी ये कैसे कर रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं क्या मार्केट में डिमांड कम है जो ये कम दियलियाँ बना रहे हैं क्या नाम है सुरेश सुरेश जी ये गाँव कौन सा है आपका हैदराबाद अच्छा हैदरापुर है अभी हाँ. कितने लोग पहले दियाली बनाते थे पहले तो काफी लोग बनाते थे आज जो है तो कोई नहीं कर रहा अब सब फैक्ट्री जाने लगे धंधे भेस्ट हो चुके हैं नहीं तो ऐसा क्यों ऐसा क्यों मान लो जब से ये फाइबर चला है तब से ये माल कम हो चुका है और फाइबर बंद होने पर ये काम जो है तो खींचने लगे तो लोग बाग फैक्ट्री न जाए अपना काम जो है तो करने लगे अच्छा पहले कैसे दियलियाँ बनाते थे कितनी बनाते थे पहले बहुत ज्यादा बनती थी कितने महीने पहले आप लोग अरे एक महीना डेढ़ महीना पहले से तैयारी होने लगती थी पूरा घर इसी में लगता था। पूरा घर इसी में लगता है अब क्या हाल है अब हाल का अब धंधे नहीं चलते हैं धंधे नहीं चलते है नहीं और क्या वजह आ रही है सामने क्या सामने नहीं मिल नहीं है और लोग इतराज करते हैं भाड़ा बहुत करता है तो इसलिए हर चीज सोच के मान लो आमदनी इसमें नहीं है तो हर आदमी फैक्ट्री भाग रहा है अब इसमे... आपके लड़के क्या आप में काम हाथ नहीं बटाते? नहीं धंधे देखते है, है, है नही तो क्या करें इसमें अच्छा। हाँ अब बहुत कम बन रहे तो अब जब धंधा चल नहीं रहा माल जब बिकेगा नहीं तो खर्चा कैसे निकले डिमांड नहीं हो रही डिमांड नहीं हो रही है तो कैसे खर्चा निकलेगा डिमांड क्यों नहीं हो रही है आर्टिफिशियल सब चल रहे हाँ। अच्छा। तो होगा अब आप जो है तो ऐसा समझ लो कुछ फैक्ट्री है कुछ मान लो कुछ ऐसे है कुछ फैक्ट्री से कुछ मान लो सभी इधर उधर से करू जा रो अच्छा मतलब दिवाली का त्यौहार आया तो आपने सोचा कुछ काम कर करना हाँ। कुछ मान लो कर लो थोड़ा बहुत चलो भाई खर्चे भी कर रही है मान लो अपने घर की जलामन परिवार चल पाता है परिवार वाला ऐसे नहीं चलते नहीं चल रहा मजदूरी करने से ही मजदूरी करें कर अच्छा। नरेगा करें कर किलोमा बांधे कर तब काम चलत है अच्छा ये इन कामों की अगर डिमांड होने लगे हाँ। तो क्या लगता है कि घर परिवार ठीक से चले तो, तो, तो फिर इससे चलन लगे साहब जैसे पहले चल हाँ जैसे पहले चलता, हाँ पहले चलता। बिल्कुल साफ तौर पे ये देखिए सुरेश जी हैं और स्थिति देखिए जो पहले बताते हैं कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो दयालियाँ बनाते थे दीपावली का जब त्यौहार आता था तो पूरा घर इनका इसी दीपावली के त्यौहार में दयालियाँ बनाने के काम में लग जाता था लेकिन अब देखिए ये सुरेश जी बैठे हुए अकेले हैं और मुश्किल से दो तीन दर्जन दियाली ही बना रहे होंगे जो बता रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है आर्टिफिशियल जो मार्केट में आ गया है ऊपर से महंगाई भी बता रहे हैं आप भी यहीं इनके साथ में ही हैं आप पत्नी हैं इनकी अच्छा ये क्या नाम है आपका

एक महीना पहले करने हाँ, लग गए अभी बारिश हुई रही तो बारिश में काम बंद है देख तो हाँ एक महीना बारिश हुई गए तो इसकी डिमांड नहीं है अब हाँ इसकी ज्यादा अब नहीं है अब जाके तो बारिची जी हाँ तो करते हो आप पेट है तो भैया आप खेती ना बारी हमारी कितने बच्चे, बच्चे हैं आप लोग हमारे पांच हैं बच्चे तो आप इससे पाल पा रहे हैं बच्चों को तो आप कहाँ पाले पा रहे हैं यानी बहुत दिक्कत है आपका दिक्कत तो है जब अपने भी सुबह नहीं आए भैया तो क्या करें समझ सकते हैं ये एक सुरेश जी के परिवार का दर्द है उनकी पत्नी है बता रही हैं उनके परिवार में पांच बच्चे हैं पहले दीपावली के समय पर वो महीनों पहले इसकी तैयारी में पूरा परिवार लग जाता था और आपको दिखा दें ये हैदरपुर का गांव है यहाँ पर सौ डेढ़ सौ मकान होंगे जिसमें बीस से पच्चीस मकान कुम्हारों के थे सभी कुम्हार यहाँ पर दियाली और दीपावली के समय में दियाली और दीपक बनाने का काम करते थे लेकिन अब सबने काम बंद कर दिया है सिर्फ एक सुरेश जी एक लौते बच्चे हैं इस गांव में जो दीपावली का त्यौहार आते ही कहते हैं कि थोड़ा बहुत काम जरूर कर ले रहे हैं इसकी वजह से क्योंकि इनको मेहनताना नहीं मिल पाता और महंगाई इतनी है मार्केट से उनको डिमांड नहीं है तो समझ सकते हैं मार्केट में आर्टिफिशियल चीज़ें चलने से एक कुम्हारों के घर में जो दूसरों के घर में उजियारा करते हैं दीपावली के समय दीपावली के समय उनके घर में कहीं ना कहीं अंधेरा सा एक जरूर दिखाई दे रहा है हालांकि इनका कहना है कि त्यौहार है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसके अलावा वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं हालांकि उनके बच्चे अब उनका ये काम इसलिए नहीं हाथ बटाते क्योंकि उनको पैसे बराबर मेहनताने के नहीं मिल पाते हैं सूरत so